हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीना और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं हींग को लेके। हींग जिसे हम रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं और रेसिपीज़ के टेस्ट को दुगना करते हैं। ये टेस्ट को बढ़ाने के साथ साथ में और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे कि खाने में बन रही बायो या पेट में अफारा, इस तरीके की जो समस्याएँ होती हैं उससे भी छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा हींग में एंटी स्पास्मोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ हींग से बनने वाली होम रेमेडी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करती हूँ। रेमेडी नंबर वन, सिर में अगर दर्द हो तो ये रेमेडी उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसे बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में ले लिया है चुटकी भर हींग। अगर पाउडर हींग है तो पाउडर ले सकते हैं, टुकड़ा है तो टुकड़ा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पाउडर हींग लिया है और इसको मैंने भूनना है, कम से कम 2 मिनट तक भूनना है। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही भूनना है। ये 2 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को बंद कर दिया है। अब मैंने ले लिया है यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी। पानी उतना ही लेना है जितना एक बारी में पिया जाए। उसके बाद इसमें मैंने भुना हुआ हींग डाल दिया है। अगर टुकड़ा हो तो टुकड़े को जैसे हम दवाई निगलते हैं उस तरीके से मुंह में खा के ऊपर से पानी पी सकते हैं, और अगर पाउडर है तो उसे इस तरीके से घोल करके पीना है। ये देखिए अभी घुला नहीं है, इसे अच्छी तरह से लगभग 2 मिनट लगेंगे घुलने में, तो इसे घोलते जाना है, उसके बाद पानी को पीना है। तो आप देखेंगे 10 से 15 मिनट में ही आपके सिर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आराम मिलेगा। रेमेडी नंबर टू है, पेट में दर्द हो, किसी भी तरह का दर्द हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अजवाइन ले ली है, फ्लेम ऑन कर दी है और इस अजवाइन को मैं भून लूँगी। तो लगभग 1 मिनट में ही अजवाइन भून जाती है। तो मैंने यहाँ पर लगभग आधा चम्मच अजवाइन ली है, चुटकी भर मैंने काला नमक ले लिया है और साथ में चुटकी भर हींग ले लिया है। और इसे हींग को मैं हल्का सा और भून लूँगी, क्योंकि कच्चा हींग ज़्यादा उसमें महक आती है तो खाया नहीं जाता है। तो अगर हल्का सा भुना हुआ होगा तो काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ जाती हैं। तो ये देखिए इसे मैंने निकाल लिया है और ये बहुत ही बेहतरीन रेमेडी तैयार हो चुकी है। पेट में किसी भी तरह की दर्द होती हो या फिर अफारा रहता हो तो ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। हल्के गुनगुने पानी से इसे पीना है, दिन में कभी भी ले सकते हैं। रेमेडी नंबर थ्री, अगर किसी भी तरह का एस्थमा प्रॉब्लम हो, सांस रुकती हो या सांस चढ़ जाती हो, थोड़ा सा भी काम करते हो सांस फूल जाती हो, तो ये रेमेडी बहुत ही बेस्ट है। इसके लिए मैंने ड्राई जिंजर लिया है, चुटकी भर हींग लिया है, साथ में मैंने आधा चम्मच के आसपास शहद लिया है और इन्हें आपस में मिला लेना है। अगर खांसी भी हो, जुकाम भी हो, तब भी ये रेमेडी बहुत ही यूज़फुल है, उसके लिए भी बस इसे मिक्स कर लेना है। और बाहर की दवाइयाँ खाने से बेटर है कि ये घरेलू उपचार अगर अपनाएं तो ये हमारे को किसी भी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं और नेचुरल तरीके से ट्रीट करते हैं। रेमेडी नंबर फोर, किसी भी तरह का कोई भी कीड़ा काट जाए, जैसे कि चींटी, मच्छर, मधुमक्खी, इस तरीके के अगर कीड़े काटते हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है। इसके लिए मैंने लिया है चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर नमक और चुटकी भर हींग, तीनों ही एक ही बराबर क्वांटिटी में ली हैं। उसके बाद मैंने ले लिया है सरसों का तेल और इसे मिक्स कर लेना है, और जहाँ भी चींटी या कीड़े मकोड़े ने काटा हो वहाँ पर इसे लगाने से उसके जो कीड़े मकोड़े का जहर होता है ना हल्का फल्का, वो भी खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। रेमेडी नंबर फाइव, एक्ने, पिंपल या फिर चेहरे पर छोटी छोटी सी गर्मी की वजह से रैशेस हो जाना, दाने छोटे छोटे से निकल आना, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके लिए मैंने लिया है मुल्तानी मिट्टी, साथ में ले लिया है गुलाब जल और ले रही हूँ मैं अपना फेवरेट साथ में चुटकी भर हींग। और बस इन तीनों को आपस में मिक्स कर लेना है और ये बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी बन गई है। इसे आप पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं, फेस पर किसी भी तरह का कोई एंटी एजिंग या फिर एलर्जी हो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से आपके चेहरे को क्लीन करेगा। और देखिए बस आप इसे लगा करके हल्का सा 10 मिनट रखें, उसके बाद गुनगुने पानी से धो लें। सिक्स रेमेडी है, स्किन को ग्लो करना हो, फेस में चमक लानी हो या फिर स्किन को फेयर करना हो तो उसके लिए मैंने ये सबसे बेस्ट तो मेरा है ये बॉडी उपटन,
पतंजलि का जिसे मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये मुझे बहुत ही असरदार लगता है और इसमें किसी भी तरह के कोई भी हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। और दूसरा मैंने गुलाब जल ले लिया है, इसकी जगह पर कच्चा दूध रॉ मिल्क भी ले सकते हैं। और साथ में ले लिया है चुटकी भर अपना फेवरेट हींग ले लिया है। और हींग डालते ही ना, हींग के मैं आपको मैजिकल रिजल्ट बताती हूँ। हींग जो है हेल्प करता है इंक्रीज ऑक्सीजन टू फेशियल टिश्यूज़ को और दैट गिव योर स्किन ए रेडियंस ग्लो। तो ये बहुत इफेक्टिव तरीके से असर करता है। इसे बस 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा देना है, उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से धो देना है, फिर आप उसका मैजिकल रिजल्ट अपने आप महसूस करेंगे। चलिए अभी देख लेते हैं रेमेडी नंबर 7, हेयर मास्क। यस, बालों के लिए ये बहुत ही बढ़िया सा मास्क है। अब आप कहेंगे कि बालों में हींग का क्या काम, लेकिन हींग जो होता है ना वो बालों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ। मैंने लिया है दही और साथ में ले लिया है एलमंड ऑयल, बादाम का तेल ले सकते हैं या फिर जैतून का तेल या फिर कोई भी तेल जो आप, कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। साथ में अपना फेवरेट हींग तो लेना ही लेना है। बस इन सबको आपस में मिला करके बन जाएगा ये बहुत ही बढ़िया सा हेयर पैक। अब हींग कैसे काम करेगा बालों में? हींग जो होता है ना, बालों में किसी भी तरह की एलर्जी हो या फिर रैशेस हो या फिर रेडिश दाग धब्बे हों, उन्हें बिल्कुल नेचुरल तरीके से रिमूव करता है। रेमेडी नंबर 8, इसमें मैं बनाने वाली हूँ फेस पैक। यस, ये बहुत ही बढ़िया मैजिकल तरीके से फेस को ग्लो करेगा। और देखिए, सबसे पहले मैंने टमाटर ले लिया है और टमाटर में आप देख सकते हैं मैंने बीज वाला हिस्सा लिया है। बीज वाला हिस्सा क्यों लिया है वो मैं आपको बताऊंगी। साथ में मैंने ले लिया है ये शहद और बस अब ले रही हूँ सबसे अपना फेवरेट हींग। मैंने आपको बता ही दिया है हींग किस तरीके से स्किन पर काम करता है, किस तरीके से आपकी रेडियंस ग्लो देता है स्किन को, क्योंकि ये इंक्रीज करता है ऑक्सीजन टू फेशियल टिश्यूज़ जो होते हैं। तो ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने ये जो टमाटर के बीज हैं वो क्यों लिए हैं, क्योंकि जब आप इसे स्क्रब करना है, इसे लगाना नहीं है, इसे हमने सिर्फ स्क्रब करना है फेस को, तो एज ए स्क्रबर की तरह काम करेगा ये जो बीज है ना, ये एज ए स्क्रबर की तरह काम करेंगे। तो अब बस इसे उसके बाद गुनगुने पानी से चेहरे को धो लेना है, रिजल्ट आपको अपने आप नज़र आएगा। चलिए 9th एंड लास्ट रेमेडी भी देख लेते हैं। ये जो लास्ट रेमेडी है ना, इसके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको बनाने के लिए देखिए, मैंने ले लिया है चुटकी भर हींग और ले रही हूँ हल्का सा पानी, यानी कि उतना पानी लेना है जितना कि इसका आसानी से एक पेस्ट जैसा बन सके। तो ये देखिए पेस्ट बन गया है, जिसे अगर हम उंगली से छुएँ तो आसानी से उंगली पर आ जाए इसी तरीके से। अब इसका करना क्या है, 1 महीने से लेकर 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको ठंड, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियां बहुत जल्दी से लग जाती हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं। तो उससे बचने के लिए करना क्या है, उनकी जो उंगलियां होती हैं, उनके जो पोर्स होते हैं, नाखूनों के पास के पोर्स जो होते हैं, उसमें हल्का हल्का सा पेस्ट इसका बना के लगा देना है। लेकिन ध्यान रहे, उतना पेस्ट भी नहीं लगा देना है कि बच्चा अगर आँख में उंगली डाल रहा है और आँख में, मतलब मल रहा है आँख से और आँख में चला जाए तो फिर जलन होती है, लेकिन हल्का हल्का सा लगा देना है। ऐसे ही हाथों की पोर्स पर भी लगाना है उंगलियों के, ऐसे ही सेम पैरों की उंगलियों के पोर्स पर भी लगा देना है और साथ में बच्चे की नाभि में लगा देना है। इससे क्या होगा, बच्चे को बिल्कुल भी ठंड, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियां नहीं लगेंगी। ऐसे ही प्रेग्नेंट लेडीज, जो बच्चे होने के बाद लेडीज़ होती हैं, वो बच्चे जो होते हैं उनका मदर्स का दूध पीते रहते हैं, तो इस वजह से अगर मदर को भी ठंड हो जाएगी तो बच्चे को भी बहुत जल्दी से लग जाती है। तो मदर को भी ये चीज़ें लगा देनी हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं वो माँ भी अपने उंगलियों के पोर्स पर, पैरों के पोर्स पर और नाभि पर हींग लगाएंगी, तो ना ही तो माँ को ठंड लगेगी, ना ही तो बच्चे को लगेगी, दोनों सुरक्षित रहेंगे। और इसका एक पॉजिटिव पॉइंट और है, जो छोटा बच्चा होता है या उसकी माँ होती है, इन दोनों को बहुत ही जल्दी से ऊपरी बाधा, हवा, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी से लग जाती हैं। कोई नेगेटिविटी अगर वो चौराहे से निकलती है, किसी ने कोई चीज़ फेंकी हो, तो ऐसी औरतों को, दूध पिलाने वाली माताओं को या फिर उनके बच्चों को बहुत जल्दी से ये चीज़ें लग जाती हैं। तो अगर उन्होंने हींग लगाया होगा अपने हाथों पे, पोर्स पर, नाभि पर या पैरों के पोर्स पर, तो उनको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और नेगेटिविटी उनसे दूर रहती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने छोटी छोटी सी लेकिन बड़े ही काम की रेमेडीज़ शेयर करी हैं। इनमें से कोई भी रेमेडीज़ आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा अगर कोई रेमेडी आप भी जानते हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।